दुर्योधन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? दोस्तों, भानुमति कलिंग के राजा चित्रागंध की बेटी थी। भानुमति धरती पर द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर महिला थी। बेहद सुंदर, सुशील, चतुर भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। बेहद विनम्र स्वभाव की वो महिला थी। जब भानुमति बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनका स्वयंवर रचाने की योजना बनाई। स्वयंवर में सभी क्षत्रियों को निमंत्रण दिया गया। वहीं दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचे। मन में अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन स्वयंवर में अर्जुन नहीं गए। जब पधारे गए क्षत्रियों में से भानुमति अपना वर चुनने को मजबूर थी, तब उसने एक सुंदर युवक को वरमाला पहनाने का निश्चय किया। ये बात दुर्योधन से सहन नहीं हुई। वह उस स्वयंवर के बीच से जबरदस्ती भानुमति को उठाकर ले गया। भानुमति किसी भी सूरत में दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके अपहरण में दुर्योधन के मित्र कर्ण ने भी उसका साथ दिया। इधर राजा चित्रांगन भी अपनी बेइज्जती के कारण दुर्योधन से बेहद नाराज थे, लेकिन विवश भानुमति दुर्योधन को अपना पति स्वीकारने के अलावा कुछ और भी नहीं कर सकती थी। दुर्योधन और भानुमति के दो जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें एक पुत्र था और एक पुत्री। भानुमति के पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जबकि पुत्री का नाम लक्ष्मणा। अपनी माता की भांति लक्ष्मणा भी बेहद सुंदर और चतुर बालक थी। वह बचपन से ही एक वीरांगना की भांति अपना जीवन जीती आई थी। जब वह बड़ी हुई तो एक मित्र के लिहाज से दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा भी उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन कुरु वंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पहले से ही यह तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। योजना अनुसार दुर्योधन ने सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया, लेकिन दुर्योधन की योजना तब विफल हो गई जब कृष्ण पुत्र साम ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। उसने लक्ष्मणा का अपहरण उसी प्रकार कर लिया जिस प्रकार दुर्योधन ने भानुमति का किया था। गुस्साए दुर्योधन ने साम को कारागृह में डाल दिया, और इस बात की जानकारी जब बलराम को लगी तब वो गुस्साए बलराम दुर्योधन पर प्रहार करने पहुंचे। बलराम किसी भी सूरत में दुर्योधन को छोड़ने वाले नहीं थे। तभी दुर्योधन अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास पहुंचा, क्योंकि इस गंभीर समस्या से केवल भानुमति ही दुर्योधन को छुड़वा सकती थी। बाद में भानुमति ने बलराम से बातचीत करके विधि विधान पूर्वक लक्ष्मणा की शादी साम से करने के लिए सभी को मना लिया। महाभारत के विकराल युद्ध में भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। अंत में भानुमति का पति दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया। जब युद्ध समाप्त हो गया और जनजीवन सामान्य रुख अपनाने लगा, तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वो ऐतिहासिक हो गया। दरअसल युद्ध समाप्ति के कुछ समय पश्चात भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच बैर समाप्त समझा जाता था। भानुमति ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों का वह बैर समाप्त करना चाहती थी जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था। वह पूरे परिवार को एक बार फिर से एक साथ लाना चाहती थी। अर्जुन ने भी भानुमति का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी आठवीं पत्नी के रूप में अपनाया। उम्मीद करते हैं आपको ये खास जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और खास और अनसुनी कहानी के साथ।